नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं हमारे बांदा शहर की सबसे बड़ी नर्सरी, जो कि वसुंधरा नर्सरी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए आज यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं। आज संडे का दिन है और तारीख है 18 दिसंबर 2022। और भैया ने मेन एंट्रेंस पे ही, ये देखिए, बहुत ही सुंदर सकुलेंट्स और कैक्टस की कुछ प्रजातियाँ रखी हुई हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। और ये देखिए, रेड कलर के हैंगिंग बास्केट लगे हुए हैं। और मेन एंट्री पे ही आपको हाईब्रिड रोज़ का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ के जो भैया हैं उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और जब भी आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करते हैं वो। और हालांकि रेट थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, लेकिन बाद में जब आप उनसे थोड़ा फ्रैंक हो जाएंगे या फिर वो आपसे जान पहचान थोड़ी बढ़ जाएगी तो थोड़ा रेट ठीक ठाक लगा लेते हैं। हालांकि इनके रेट थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इस वजह से मैं इनकी नर्सरी में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये देखिए, इनका कैक्टस का कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत देखने में और बहुत ही यूनिक वैरायटी के कैक्टस हैं इन भैया के पास। और पहले तो मुझे कैक्टस का इतना शौक नहीं था, लेकिन जब मैं इनसे मिला और इनसे बातचीत हुई तो मेरा कैक्टस के प्रति इंटरेस्ट जागा और मैं एक कैक्टस लवर के रूप में उभर के सामने आया हूँ। और ये देखिए, इनके पास मींस बता पाना मुश्किल है कितने नंबर्स ऑफ कलेक्शन हैं, और वो भी सब हाई क्वालिटी और बिल्कुल हेल्दी। यहाँ देखिए, फॉक्स टेल के पौधे रखे हैं, इसके आगे लिपस्टिक एग्लोनिमा आई थिंक। और ये देखिए, इनकी नर्सरी बांदा शहर में बहुत ही बड़ी नर्सरी है। और ये देखिए, यहाँ पे मैरीगोल्ड के पौधे जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में। इन भैया के पास तो इतना कलेक्शन है कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है इन सभी का नाम ले पाना, और मुझे आई थिंक 20% के ही नामों की जानकारी होगी। और इनकी जो नर्सरी है इलाहाबाद रूट में पड़ती है बांदा शहर में, मींस जब आप बांदा शहर से निकलेंगे तो वो इलाहाबाद रूट के नाम से जाना जाता है। और महावीरन के पास ही हनुमान जी का एक मंदिर है महावीरन बोल के, उसी के पास इनकी नर्सरी है। और हालांकि जब ये नर्सरी स्टार्ट हुई थी तो इतना सारा कलेक्शन नहीं था इधर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ये डेवलप होता गया तो भैया ने कलेक्शन की भरमार ला दी। ऐसा वेरियस कलेक्शन यहाँ और किसी नर्सरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, कितने खूबसूरत फूल हैं और कितनी सारी कलियाँ खिली हुई हैं, रंग बिरंगे फूल। ये नेचर का बहुत ही, मतलब आप जब देखेंगे तो आंखों को बहुत ही शांति मिलती है। जब मैं भैया की नर्सरी विज़िट करता हूँ तो मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या उनके पास से लेके आऊँ और क्या ना लेके आऊँ, क्योंकि मुझे उनके सभी पौधे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कि पौधा कौन सा पौधा लेके आऊँ या कौन सा नहीं लेके आऊँ। और मेरे पास हालांकि उतनी बड़ी जगह भी नहीं है, तो मुझे अपने कुछ चुनिंदा ही पौधे लाने होते हैं, और उन पौधों का वीडियो मैं समय समय पर आपको अपडेट देते रहता हूँ। एक छोटे से वीडियो में सब कुछ दिखा पाना तो मुश्किल है, लेकिन
जो जो पॉसिबल है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और इधर देखिए, यहाँ पे एक इन्होंने एक छोटा सा तालाब बना रखा है ताकि इन पौधे की सिंचाई की जा सके समय समय पर। और ये देखिए, पौधे इनके काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। और एक बार मैंने इनसे पूछा कि भैया, आपके ये जो पौधे हैं इतने हेल्दी होने का कारण क्या है? तो कई बार तो उन्होंने टाल दिया, और लेकिन मेरे कई बार विज़िट करने के बाद जब मैंने दोबारा उनसे एक बार बातचीत की तो तब उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग अपने पौधों में क्या क्या चीज़ डालते हैं। उन्होंने वैसे तो कई चीज़ें बताई जो कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं वो लोग अपने इन पौधों को हेल्दी रखने के लिए। तो वो सब चीज़ें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो उनका बिजनेस है। तो इस वजह से वो लोग पौधों को हेल्दी रखने के लिए ये सब केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। तो और ये इधर देखिए, नाग चंपा के कुछ पौधे रखे हुए हैं, और ये डायफन बेकिया। ये देखिए आप, दिसंबर के महीने में जो डायफन बेकिया है वो इतने अच्छे कंडीशन में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ देखिए कितना सारा कलेक्शन है और कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। और इनकी ग्रीनरी देखिए, एक तो इनके पास वेरीगेटेड हो गया और एक नॉर्मल डायफन हो गया, और ये फॉल्स अगेव का पौधा हो गया। जितना भी मेरे पास कलेक्शन है इन्हीं भैया के पास से मैं लेके आया हूँ, और लगभग एक या दो पौधे मेरे डेड हुए होंगे और बाकी सभी अच्छी तरह चल रहे हैं। ये देखिए गुलदावदी के कलेक्शन बंचेस में फूल खिले हुए हैं, और इसके बगल में डहेलिया लगा हुआ है। इसके भी पौधे देखिए कितने हाइटेड है और गुड क्वालिटी के पौधे हैं। और किस कई में तो फ्लावरिंग मीन्स फ्लावर बर्ड भी बन चुका है, जो कि 10 से 15 दिनों में खिलेंगे। और इनके फूल काफ़ी खूबसूरत और बड़े साइज़ में होते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। आप उसे उनके सीड से या फिर उसके नीचे बल्ब होता है उससे भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये इधर क्रिसमस ट्री का कलेक्शन, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।